दोस्तों आज की इस वीडियो में जो यहाँ पर क्रिस्टल माइक जो आईसी माइक होता है क्रिस्टल माइक, इसको जो हम रिप्लेस करने का जो है बेहद आसान तरीका बताने वाले हैं, जिससे कि आप जो है ये ट्रिक देख के आप ये ट्रिक से अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आपका जो माइक है वो बिल्कुल जो है एक बार में आपका परफेक्ट तरीका से लगेगा और आपका जो है वर्क भी करेगा। ये यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पर ट्राई करके देख लिया, ये आपका जो है सबसे अच्छा तरीका है और मैं यहाँ पर ट्राई करके देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से आपको जो है इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है इस तरह का आपका कोई भी क्रिस्टल माइक है उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आप दो तरीका से इसको आप यूज कर सकते हैं। इसको जो है पहला नंबर में तो इसको आप सोल्डरिंग आयरन से इसको जो है आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं और दूसरा नंबर में जो आपको हॉट एयर गन का इसमें यूज करना होगा। तो इसमें जो है पहला नंबर में आप जो है इसमें आपका सोल्डरिंग आयरन से जो है ट्रिक से जो आपका इसमें रिप्लेस होगा उसी पे जो है पहले करने की कोशिश करें, अगर वो उससे आपका नहीं होता है तो जो है इसमें हॉट एयर गन का यूज करें, क्योंकि आपका जो सोल्डरिंग आयरन से जो आपका ट्रिक होगा वो आपका जो है काफी ईजी होगा। तो चलिए हम दोनों को यहाँ पे आपको इसमें रिप्लेस करके मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो है मैं ये माइक को इसको रिप्लेस करके यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर जो है मैं स्टैंड में इसको लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको जब भी यहाँ पे रिप्लेस करना है यहाँ पे उसको जो है थोड़ा सा इसमें फ्लक्स दे देना है माइक के पास, और माइक के पास फ्लक्स देने के बाद यहाँ पर आपका जो भी माइक जहाँ पर जो भी बोर्ड है जो भी इसमें पीसीबी फोन है जो माइक के नज़दीक में जो कुछ इस तरह का आपका स्टील दिखता है जो माइक के जो सबसे नज़दीक में रहता है कहीं पर भी ग्राउंड रहता है वहाँ पर जो है आपको हल्का सा प्लस यहाँ पे फ्लक्स दे के वहाँ पे जो है आपको इसमें सोल्डरिंग आयरन से उसको जो है वहाँ पे आपको सोल्डरिंग करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी जो है मेरा माइक जो है बिल्कुल जो है परफेक्ट तरीका से यहाँ पे लगा है और ये ट्रिक मैं इसको यूज करके देख लिया हूँ, मुझे सही लगा, अच्छा लगा, आसान लगा, इसलिए मैं आपको जो है इसमें वीडियो के द्वारा आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह से यहाँ पे आप हीट करेंगे सोल्डरिंग आयरन से यहाँ पे इसमें सोल्डरिंग करेंगे तो ये जो आपका माइक रहेगा ये माइक जो है बिल्कुल आसान तरीका से जो है यहाँ पे आपका इसमें हीट हो जाएगा और जिससे है कि आप मतलब बहुत जो है बड़ी आसानी से इसको रिप्लेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें रिप्लेस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो माइक है कितना आसान तरीका से जो है ये रिमूव हो चुका है। और यहाँ पर आपको इस तरह से रिमूव होने के बाद फिर से आपको रिप्लेस करने के लिए आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें फ्लक्स दे देना है। यहाँ पर जो मैं पेस्ट यूज कर रहा हूँ फ्लक्स वो मैकेनिक UB80 मॉडल यूज कर रहा हूँ जो कि अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पर जो भी आप यूज करें वो अच्छी क्वालिटी का फ्लक्स यूज करें तो आपका काम जो है वो आपका बिल्कुल जो है आसान तरीका से और तुरंत जल्दी जो है आपका होगा। यहाँ पे इस तरह से करने के बाद आपको माइक यहाँ पे सिर्फ रख देना है और फिर से जो है आपको दोबारा यहाँ पर अपना सोल्डरिंग आयरन से इसको यहाँ पे हीट करना है। देखेंगे कि आपका जो माइक है फिर से जो है आपका अपना जगह पर जो है आपका सही से लग जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा माइक को मैं यहाँ पे थोड़ा सा धकेल के देख लूंगा और फिर धकेल के देखने के बाद अपने जगह पे आ जाएगा तो फिर समझ जाना है कि आपका जो माइक है वो परफेक्ट तरीका से जो है आपका सभी पॉइंट में कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो माइक बिल्कुल जो है परफेक्ट तरीका से अपने पॉइंट पे जो है कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम इसमें कूल होने देते हैं और फिर आपको यहाँ पे मैं क्लीन करके इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो माइक है वो बिल्कुल जो है परफेक्ट तरीका से लगा है और सब जितने भी तरह के जितने भी पॉइंट रहते हैं इसमें सभी पॉइंट पे जो है मेरा अच्छे से इसमें कनेक्ट ये मेरा जो है इसमें हो गया है और ये आपका माइक जो है एक बार में आपका वर्क करेगा, प्रॉपर फिटिंग आपका आया है। अब यहाँ पर जो है एक और इसमें मेरे पास बोर्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक और दूसरा बोर्ड है और ये बोर्ड का भी जो इसी तरह यहाँ पे इसमें माइक लगा हुआ है। तो यहाँ पे अब इसमें सोल्डरिंग आयरन का यहाँ पे इस तरह मैं इसमें यूज करके देखा बट यहाँ पे देखिए इसका जो है माइक और ये यहाँ पे जो ग्राउंड है इसका जो है इसमें जो है दूरी इसमें थोड़ा ज्यादा है ये माइक के मुकाबले, यहाँ पर जो है इसमें दूरी जो है थोड़ा ज्यादा है जिसके कारण जो है यहाँ पे माइक को माइक की जगह मतलब अच्छे से ये हीट नहीं हो पाता है और जिसके कारण ये जो है मेरा माइक यहाँ पे इसमें रिमूव नहीं हो रहा है। और अगर यहाँ पे आपका इस ये सोल्डरिंग आयरन से भी इसको आप रिमूव कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो आपको आयरन यूज करना होगा वो आपको कम से कम 40 वाट या फिर 60 वाट का यूज करना होगा जिससे कि आपका माइक जो है अच्छे से हीट होगा तभी जाके इसको आप रिप्लेस कर पाएंगे। तो अभी मैं जो यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन यूज कर रहा हूँ ये सोल्डरन का 25 वाट का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है माइक की जगह वहाँ पर जो है ये हीट नहीं जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो है आपका अगर आपके पास ज्यादा वाट का इसमें सोल्डरिंग आयरन है तो आप यही ट्रिक से जो है जैसे कि मैं आपको ये माइक इसको रिप्लेस करके दिखाया यही ट्रिक से जो है आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो
हिट करना है वो आपको, मतलब इस यहाँ पे माइक है तो यहाँ पे देखिए माइक के जो नज़दीक में जो आपका ग्राउंड रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे ग्राउंड में भी आपको हिट करना है, और यहाँ पे थोड़ा माइक के इधर नज़दीक पॉइंट में जाए वैसा आपको जो है माइक जो है वहाँ पे पॉइंट में जाए वहाँ पे उस तरह से आपको हिट करना है। सो इसका हॉट एयर गन का जो हैंडल रहता है उसको कुछ इस तरह से हिट करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे हिट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मेरा ये है तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके कर रहा हूँ ताकि मेरा जो है इसमें डायरेक्ट जो है माइक के पास इसमें जाए और यहाँ पे इसमें ग्राउंड में भी जाए। तो यहाँ पे देखिए ये मैं इसको हीट कर रहा हूँ और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कितना आसान तरीका से जो है मेरा माइक जो है तुरंत जो है इसमें रिमूव हो गया, और मेरा जो है इसमें यहाँ पे इसमें हीट जो मेरा सेट है वो करीब 320 है और ईयर जो है वो मतलब 1.5 है। अब इसी तरह से आपको इसको जो है रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें फ्लक्स दे दें और फ्लक्स दे के आपको जो है माइक यहाँ पे इसको पहले इस तरह से बैठा देना है। यहाँ पे माइक बैठाने के बाद जो है आपको फिर यहाँ पे इस तरह से हीट करना है, यहाँ पर जो है आपको थोड़ा थोड़ा हीट करना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो माइक है बिल्कुल जो है परफेक्ट अपना तरीके अपना जगह पर जो है सही भी पॉइंट में जो है कनेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरा माइक जो है कनेक्ट हो चुका है, इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए मेरा जो है माइक बिल्कुल जो है परफेक्ट तरीका से अपना जगह पॉइंट में जो है कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो है इसमें सोल्डरिंग आयरन से कुछ जो है कम समय इसमें लगा हॉट एयर गन से इसको जब हम इसमें रिप्लेस किए तो, और मेरा जो है बिल्कुल सेफ है, कहीं पे कोई भी जो है बोर्ड में जला उला भी नहीं है। अब इसमें मतलब अच्छी क्वालिटी का हॉट एयर गन भी यूज़ करेंगे, अच्छी क्वालिटी का इसमें जो भी रिपेयरिंग का टूल है वो सब यूज़ करेंगे तो आपका काम भी जल्दी होगा और परफेक्ट तरीका से होगा और काम करने में भी अच्छा आपको लगेगा। तो यहाँ पर इसको भी हम आपको इसमें क्लीन करके फिर इसको चेक करके आपको इसमें दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी जो माइक है मेरा बिल्कुल जो है परफेक्ट तरीका से यहाँ पे इसमें मतलब सेट हुआ है, फिटिंग आया है, यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पर कुछ भी जो है गैप उप नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, वीडियो को आप जो है जरूर लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।